नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के पढ़ लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे, और चैप्टर 1 और 2 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो प्लीज़ सी टू इट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। फर्स्ट, द अर्लियस्ट सिविलाइज सेटलमेंट्स, द अर्लियस्ट सेटलमेंट्स इन ब्राज़ील वेयर फॉर्म बाय द सेटलर्स फ्रॉम यूरोप, मेनली इन द कोस्टल एरियाज। तो यूरोप के कौन सेटलर्स थे? वही पोर्चुगीज लोग। तो उन्होंने सबसे पहला किस एरिया में लोग बैठे थे? कोस्टल एरियाज में, ठीक है, समुद्री तटीय प्रदेश में। इसलिए आज भी आप देखोगे ब्राज़ील में कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन है। आगे, साओ पाउलो काफ़ी बड़ा महानगर है, जिस तरह बम्बई है वैसा, बम्बई पूना दिल्ली उस तरह साओ पाउलो है। साओ पाउलो में मिनरल्स, एक खनिज मिलता है जिसको बोलते हैं आयरन ओर, लोहे का अवक्स अयस्क बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, केंद्रित आबादी है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, और इंडस्ट्रियल एरिया है, और मेट्रोपॉलिटन है, यानी वो महानगर है। आगे, डैश सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम ड्रॉट्स, काफ़ी ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ता है, अकाल कहाँ पड़ता है, सब काफ़ी ज़्यादा अकाल कहाँ पड़ता है? तो हाईलैंड्स पे तो पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बारिश कम है। अब हाईलैंड्स में किस हिस्से में? तो देखिए, अगर उसका मैप इस तरह बनाया गया है तो हाईलैंड्स के इस एरिए में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट्स होते हैं, सो अकाल पड़ता है। ये ग्यूरिजन के रूप में आ सकता है, नंबर पॉइंट 4 पॉइंट, ये ग्यूरिजन के रूप में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है? सेटलमेंट्स बिकम स्पेयर्स, स्पेयर्स मतलब विरल, सेटलमेंट्स बिकम स्पेयर्स एज वी मूव इन टूवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील। जैसे कि मैंने बताया कि कोस्टल पार्ट में सबसे ज़्यादा आबादी होती है। सेंट्रल पार्ट में क्यों कम है? अब सेंट्रल पार्ट में काफ़ी जगह खाली है, वहाँ पे खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे भुट्टा उगाया जाता है, मेज बोलते हैं ना, मेज बोलो या कॉर्न बोलो, वहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। तो वहाँ पे आबादी स्पेयर्स क्यों है? सबसे पहली बात तो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो घने विषुवतीय जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन, उनसे ढका हुआ है, थिक डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। वहाँ का जो जलवायु क्लाइमेट वहाँ पे अनहेल्दी है एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट, एंड लिमिटेशंस वहाँ पे सरकार द्वारा कुछ पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार द्वारा रोक लगाई गई है। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, यानी ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते नेचुरल रिसोर्स का, तो काफ़ी ज़्यादा रोकथाम है वहाँ पे। एंड पुअर ट्रांसपोर्ट इन द रीजन, इतने घने जंगल होने के कारण वहाँ पे रोड्स रेलवेज ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, और यातायात सुविधा ना होने के कारण वहाँ पर आबादी रहती नहीं है, और यही कारण है कि वहाँ पर आबादी जो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में, ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में। आगे, एग्जाम में आएगा डेफिनेशन अर्बनाइजेशन इन इंडिया का क्या है? तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज़ टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मीन्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच लिव्स इन अर्बन एरियाज और सिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की कुल जनसंख्या, दैट विल गिव यू शहरीकरण पर प्रतिशत, शहरीकरण का प्रतिशत, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। आगे, एज पर 2011 सेंसस, एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है? 31.16%। इसको याद रखिएगा, ये काम आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। 31.16% अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, एंड दिस इज़ वेरी स्लो, द रेट इज़ वेरी स्लो। तो भारत के किस एरिया में ज़्यादा शहरीकरण है, किस एरिया में कम शहरीकरण है, तो उसका मैंने यहाँ पे आपको ड्राइंग बना के बताया है। नॉर्थ में कम शहर देखने को मिलेंगे और साउथ साइड में आपको ज़्यादा शहर देखने को मिलेंगे, मीन्स ऐसा ऐसे जाओगे तो शहरीकरण बढ़ता जाता है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट अगर बात करें तो गोवा का है, गोवा सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट है, और उसको कितना है? 62%, 62%। और सबसे ज़्यादा अर्बनाइज यूनियन टेरिटरी है, या हमारे कैपिटल दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन 80% है। तो शहरीकरण दिल्ली में सबसे ज़्यादा, यूनियन टेरिटरी में, और अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में सबसे ज़्यादा गोवा में है, राज्य में सबसे ज़्यादा गोवा में है। यही अगर ब्राज़ील की बात बात की जाए तो ब्राज़ील में जो अर्बनाइजेशन है दैट इज़ 86%। तो ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा शहरीकरण है, लेकिन ब्राज़ील में, जैसे भारत में एक फिक्स्ड डेफिनेशन है ना कि शहर में कितने लोग रहते हैं, ऊपर लिखना है और टोटल भारत की आबादी नीचे लिखना है, दैट विल गिव यू द अर्बनाइजेशन, ऐसा कोई वहाँ पे डेफिनेशन नहीं है अर्बनाइजेशन का। और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन 86% एज़ कम्पेयर टू इंडिया।
आगे अब इस शहरीकरण से हमने देखा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, कोस्टल एरियाज़ में है, सेंट्रल पार्ट में है ही नहीं। और इंडिया में देखेंगे तो शहरों में गांव साइड में कुछ नहीं है। तो दोनों देश ने एक एक पॉलिसी बना रखी है ताकि जो एक्सेस पॉपुलेशन है उस एरिया में उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ब्राज़ील की जो पॉलिसी है उसको बोला जाता है गो वेस्ट। क्या बोला जाता है उसको? गो वेस्ट। और ठीक उसी तरह भारत में भी एक पॉलिसी बनाई गई है, उसको बोलते हैं गो मूव टूवर्ड्स विलेज या गो टूवर्ड्स विलेज, गाँव की ओर चलो। तो गांव की ओर कब जाएंगे लोग? जब वहां पे विकास होगा। तो सरकार वहां पे विकास करने की कोशिश कर रही है ताकि जो लोग शहर की तरफ आकर्षित होते हैं वे पुनः मतलब अपने इधर आ जाए और वहीं पे काम धंधा रोजगार उन्हें मिले ताकि उन्हें शहर जाना ना पड़े। आगे ब्राज़ील में जैसे हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे, ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन कहाँ है? तटीय क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज में। अब कोस्टल एरियाज में कहाँ? एग्जाम में मैप में प्रश्न आया कि उस शहर को मार्क कीजिए, उस शहर का मार्किंग कीजिए उस शहर का मार्किंग कीजिए जहाँ पे कोस्टल एरिया, जहाँ पे कोस्टल एरियाज में ज़्यादा आबादी है। तो आप क्या मार्क करोगे? साओ पाउलो, गोयस और मिनास गेरेयस। ओके चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डैश इज अ पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द नेग्रो एंड द अमेजोन। नेग्रो और अमेजोन नदी का जहाँ संगम होता है, जहाँ मिलन होता है, जहाँ मिलते हैं, वहाँ पे कौन सा बंदरगाह बना है? वहाँ पे मानोस, मानोस पोर्ट बंदरगाह बना है। और मानोस पोर्ट आपको मैप में मार्किंग करने के लिए भी आता है, और इसका मैप मैंने अपलोड कर दिया है, इम्पॉर्टेंट मैप्स करके वीडियो का टाइटल है, देन सो प्लीज गो थ्रू इट। नाउ गोइंग टू चैप्टर 8, चैप्टर 7 हैज बीन कम्प्लीटेड। चैप्टर 8, दिस इज जस्ट अ बेसिक। GNI स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल इनकम एंड GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार का आर्थिक एक्टिविटीज होती है। क्या? सबसे पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, आगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेम द फॉलोइंग में आ सकता है। विच आर द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडिया हैज हायर नेशनल इनकम, इस बात पे ध्यान दीजिए, इंडिया हैज हायर नेशनल इनकम देन ब्राजील। ब्राजील से ज्यादा नेशनल इनकम भारत का है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो ब्राजील का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है और इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है। पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आयु, प्रति व्यक्ति आय। अब क्यों? हमारी आबादी ज्यादा है ना, हमारा साइज काफी ज्यादा है, तो इसलिए अगर हम देखिए ऐसा होगा, समझ लीजिए ब्राज़ील भी 10 रुपये कमा रहा है, इंडिया भी 10 रुपये कमा रहा है, लेकिन ब्राज़ील में 10 रुपये 10 लोगों में बंटने वाले हैं, लेकिन भारत में जो 10 रुपये हैं वो 50 लोगों में बंटने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है हर एक के हिस्से में कम आएगा ना, तो इसके लिए भारत का जो पर कैपिटा इनकम है कम आता है, लेकिन भारत की आमदनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील। तो इस बात को मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन सेंटेंस, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, आगे इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन, इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत अभी भी खेती बाड़ी पे ज़्यादा निर्भर है, भारत अभी भी खेती बाड़ी पे ज़्यादा निर्भर है। और भारत में कुल ज़मीन का 60% हिस्से पे अभी भी खेती बाड़ी होती है। 60% ऑफ लैंड इज अंडर कल्टिवेशन। और भारत में जो कृषि होती है जैसे सब्सिस्टेंस, देखिए कई प्रकार की खेती होती है, इंटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव होता है, फिर इंटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, फिर उसके बाद मार्केट गार्डनिंग होता है, ट्रक फार्मिंग होता है, ट्रक फार्मिंग बोलते हैं उसको, ट्रक फार्मिंग होता है। ठीक है, तो ब्राज़ील में जो होती है, इंडिया में जो खेती बाड़ी हो सब्सिस्टेंट टाइप है। क्या है? सब्सिस्टेंट टाइप। कमर्शियल फार्मिंग भी होती है सब्सिस्टेंट टाइप। सब्सिस्टेंट टाइप बोले तो मतलब क्या है, लोग अपने बस अपने खा पी लें, अपने घर में अनाज की कमी ना पड़े, बस इतना ही कर पाते हैं। क्यों? हमारे देश में क्या होता है कि हर व्यक्ति के हिस्से में लगभग ज़मीन कम है, और दूसरी बात यह है कि हमारे में ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता। आज भी मैनुअल टाइप में खेती ज़्यादा की जाती है, इस कारण से ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो भारत में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, इंडिया में किस प्रकार का खेती होता है, तो आपको निर्वाह खेती लिखनी है, सब्सिस्टेंट टाइप की खेती लिखनी है। इंडिया और ब्राज़ील का कॉमन बात, इंडिया और ब्राज़ील दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है, और दोनों विकासशील अर्थव्यवस्था है, दोनों की इकोनॉमी इस वक्त डेवलप हो रही है। और भाई US की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका एक विकास विकसित देश है, अमेरिका एक विकसित देश है। आगे इन ब्राज़ील डैश इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाईलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज। हाईलैंड्स और कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों का मुख्य तौर पर क्या काम धंधा है? तो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, कृषि।
डैश सीरियल क्रॉप्स, ब्राजील में कौन से सीरियल क्रॉप्स उगते हैं? राइस और भुट्टा। मेज, मेज कहाँ उगता ज़्यादातर? सेंट्रल पार्ट में। कहाँ उगता है? सेंट्रल पार्ट में सबसे ज़्यादा मेज उगाया जाता है। डैश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड। तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कॉफ़ी का कौन करता है या सोयाबीन का कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है। या उल्टा प्रश्न आ सकता है, ब्राज़ील इज़ द मेन एक्सपोर्टर ऑफ डैश एंड डैश कॉफ़ी एंड सोयाबीन। कॉफ़ी ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? कोस्टल एरियाज़ में। कि कोस्टल एरियाज़ में किस शहरों में? सौ पालो और मैनस गेरियस। आपको मार्किंग के लिए आ सकता है मैप में इनडायरेक्टली, कैसा कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपको प्रश्न आंसर लिखना है सौ पालो और मैनस गेरियस, और इसको मार्क भी करने आ सकता है मैप में। अगर सावाना ग्रासलैंड्स यानी घास वाले प्रदेश, ये कहाँ पे मिलेंगे? ये ब्राज़ील की दक्षिण भाग में मिलेंगे, साउथ ऑफ ब्राज़ील में। ब्राज़ील की दक्षिण भाग में आपको सावाना ग्रासलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे गाय भैंस बकरी भेड़ ये सब पाले जाते हैं। रियड, रियड का मतलब पाले जाते हैं। फिर आते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील सदर्न पार्ट में तो घास हो गया, सेंट्रल पार्ट में तो खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, हाईलैंड्स में खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, सेंट्रल पार्ट में भुट्टे ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट में क्या है? ईस्टर्न पार्ट में खनिज ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा है। कौन कौन से मिनरल्स? लोह के आयरन और मैंगनीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या मिलता है? एलुमिनियम। फिर टंगस्टेन जो बल्बों में यूज़ होता है, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, और डायमंड ये वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। अगर ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज वाला है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो किस मुद्रा में होता है, किस पैसे में होता है? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर का चिन्ह क्या है? ये यूएस डॉलर है। एस एस फॉर सतीश कोचिंग सेंटर। ये डॉलर का चिन्ह है। ब्राज़ील, ब्राज़ील के रुपए को ब्राज़ीलियन रियल कहा जाता है, ब्राज़ीलियन रियल कहा जाता है, ऐसा उसका सिंबल है। वो भी डॉलर है लेकिन ऐसा आर डॉलर, ब्राज़ीलियन रियल। और इंडियन रुपया का साइन है ऐसा रा, और रा में एक और लाइन रुपया। ब्राज़ील का कोस्ट लाइन कितना लंबा है? भारत, ब्राज़ील का कोस्ट लाइन 7,400 किलोमीटर, और इंडिया का कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर तट है सबसे बड़ा। आगे एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड्स, सबसे ज़्यादा मच्छी ब्राज़ील में कहाँ मारे जाते हैं? तो ब्राज़ील में अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन में मारे जाते हैं। किसमें? साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ ईस्ट भारत, ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व के भारत, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में साउथ अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा मच्छी मारा है। वहाँ पे क्यों मारे थे? सवाल ऐसा आता है कि वहाँ पे क्यों ज़्यादा मच्छी मारी जाती है, तो आपको जवाब ऐसा लिखना है, वहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों मिक्स होते हैं। वहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों मिक्स होते हैं। वार्म करंट कौन सा? ब्राज़ीलियन वार्म करंट, और फार्कलैंड कोल्ड करंट दोनों मिक्स होते हैं। मिक्स होते तो क्या होगा? वहाँ पे प्लैंकटन ज़्यादा होता है, और प्लैंकटन जो है वो मच्छियों का फेवरेट डिश है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, इंडिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। एंड यहाँ पे अगर खारे पानी की बात की जाए, खारे पानी बोले तो समुद्री मछली की बात की जाए, तो 40% मछलियाँ समुद्र से मारी जाती हैं, और बाकी मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं। 60% पानी इनलैंड यानी मीठे पानी की मछलियाँ होती, तालाब नदियाँ इनमें से मारी जाती, नहरों में से। आगे फिर आते हैं कोयला, भारत में कोयला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कोरबा में, और पूर्वी महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र। फिर आते हैं तेल, तेल तेल के कुएं कहाँ कहाँ हैं? तेल के कुएं आसाम के डिगबोई में हैं, वो अरेबियन सी में बम्बई हाय, ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी आया था 8-9 महीने पहले। फिर गुजरात, गुजरात में कोयली और कलोल, गुजरात में कोयली और कलोल, इस बात को याद रखिएगा, नेम द फॉलोइंग आ सकता है। मिनरल ऑयल वेल्स आसाम में डिगबोई में है, बम्बई में, अरेबियन सी अरब सागर में, बम्बई हाई में है, और गुजरात में कलोल और कोयली, गुजरात में कलोल और कोयली में है। मार्बल, मार्बल कहाँ मिलेगा? राजस्थान में, राजस्थान में, और मिनरल्स भी मिलते हैं तांबा, लीड और जिंक। कड़प्पा, कड़प्पा कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में, तो इस बात को फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखिए। कड़प्पा कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। मार्बल कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। और जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी उसके मुहाने पे, उसके माउथ पे हमको ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स के भंडार भी मिले, प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार मिले हैं गोदावरी नदी के मुहाने पे। नेक्स्ट, दैट इज़ द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, दैट इज़ द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का नॉर्थ ईस्ट पार्ट इज़ द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील, दैट कैन कम्स इन फिल इन द ब्लैंक्स। तमिलनाडु में एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज, कर्नाटक में स्टील एंड मैगनीज एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट एग्जाम में आएगा नेम सम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी जिनकी जिनके कारखानों में कच्चा माल वनस्पतियों से आता है यानी पेड़ पौधों से आता है, जैसे कि पेपर, पेपर किससे बनता है? लकड़ियों से, प्लाईवुड लकड़ी से बनेगा, माचिस की तीली
फिर रेजिन हो गया, लाख हो गया, रेजिन बोले तो गोंद हो गया वगैरह। केरला, केरला में कोए, खोबरा, खोबरा और फिश से बड़ी कारखाने मिलेंगे। फिर आते रिफाइनरीज, कुछ रिफाइनरीज जहाँ तेल के कुएं उसके करीब हैं, कुछ दूर हैं। दूर कहाँ कहाँ है रिफाइनरीज, जैसे मथुरा और बरौनी, मथुरा और बरौनी, और नज़दीक कौन सा है, कोयली, कयोल, डिगबोई, फिर नूनमती और बोंगईगांव, नूनमती और बोंगईगांव। आगे नमक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नमक होता है गुजरात, दांडी यात्रा सभी को पता है, गुजरात, फिर राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स सम्मेलन में यस एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका, इस बात को याद रखिए, श्रीलंका नहीं साउथ अफ्रीका। आगे जीएसटी ब्राज़ील में कब लागू हुआ, जीएसटी ब्राज़ील में 1984 1984 में ही लागू हो गया था। और भारत में जो जीएसटी है वो लागू हुआ है 1 जुलाई 2017, जो हमने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। कॉफ़ी फार्म्स, कॉफ़ी फार्म्स जो है नेटिव झाड़, ब्राज़ील का झाड़ नहीं है कॉफ़ी, वो इथोपिया से लाया गया था, एथियोपिया, एथियोपिया से किसने लाया था, तो फ्रांस और फ्रांसीसी उसने लाया था, जब वो गुलाम, जब जब वो अपना कॉलोनीज बना के रहते थे यहाँ पे, कॉलोनी बनाया था उन्होंने ब्राज़ील को, तब उन्होंने इथोपिया से वो झाड़ ब्राज़ील में लाया था। और ब्राज़ील में तब से 150 सालों से इस ये झाड़ उगाए जा रहे हैं, और आज ब्राज़ील दुनिया का कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है, कॉफ़ी और सोयाबीन एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। कॉफ़ी कहाँ हो रहा है, कॉफ़ी कोस्टल एरियाज़ में हो रहा है, सो पॉलो में हो रहा है, मिनियस गेरोस में वहाँ पर हो रहा है। और कॉफ़ी फार्म्स को, कॉफ़ी की खेत को ब्राज़ील की लोकल भाषा में फजेंडा कहते हैं, फजेंडास, ब्राज़ील की लोकल भाषा में उसे फजेंडास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इस तरह हमारा चैप्टर 7-8 और पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1-2, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कंप्लीट होते हैं। इतना करने से आपका फिल इन द ब्लैंक ऑब्जेक्टिव्स लगभग सारे आपके बन जाएंगे। और ग्राफ के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, और मैप फिलिंग के लिए, मैप मार्किंग के लिए भी आप वीडियो देख लीजिए, दोनों वीडियो बना दिया गया है और अपलोड कर दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।